थैंक यू। या तो ससुर अभी कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद हम सीन के बारे में पूछेंगे। ओके यस, तो बन्नी आपकी वो लड़की है जिसे आपको डरना भी चाहिए और उससे दोस्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि वो चटनी बनाने में सिलबट्टे पे माहिर है और आपको खाना खिला के दिल खुश करने में भी माहिर है। तो ऐसा वाला मामला है बन्नी के साथ। ओके, तो किस तरीके से प्रिपरेशन क्या था इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टर में अब फूड बनाती हुई नजर आ रही, तो किस तरीके से क्या कुछ स्पेशल क्लास या फिर पहले से आपने सीखा हुआ है? हाँ, तो उल्का ने हमेशा कुकिंग की है लाइफ में, मैं बहुत पसंद भी करती थी। एंड लॉकडाउन में किस किस ने मतलब नहीं सीखा है मुझे बताओ। तो पर ये है कि हाँ, लॉकडाउन में मैंने और डेवलप किया। बेकिंग नहीं कर सकती मैं, लेकिन टेस्टी खाना ज़रूर बना सकती हूँ बन्नी की तरह। जब मुझे रोल मिला था मैं बहुत बहुत खुश थी कि कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें, और क्यों नहीं, लोगों को एक्चुअली कुकिंग से प्यार होना चाहिए, इट्स अ लाइफ स्किल। और बहुत मज़ा आता है खाना बनाने में, क्रिएटिविटी में। अब बन्नी किरदार सबके लिए खाना बनाती है, टिफिन में भेजती है, और उसकी सब ऐसा वैसा खाना नहीं होता है, उसमें उसका लाड़ दुलार ममता होता है। तो कई लोग जो लाइफ में अपने किसी रिश्तेदार का बना खाना, माँ का बना खाना मिस करते हैं, ऑफिस में रहते हैं या कोई स्टूडेंट कहीं बाहर होते हैं, तो बन्नी ऐसी है जो उस दर्द को समझती है और उनको अपना ममता भरा खाना ज़रूर देती है। ओके, उल्का को कितना पसंद है कुकिंग करना, कितनी पैशनेट कुकिंग करती है? मैं बहुत पैशनली करती हूँ एक्चुअली। मैं बस फॉर मी, अगर जिस दिन मुझे छुट्टी मिलती है ना, मैं घर पे बस यू नो स्लो डे स्टार्ट्स, मैं अपनी चॉपिंग वॉपिंग करके रखती हूँ, दिन के 2-3 खाने बना ही लेती हूँ। हाँ, तो जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं चॉपिंग वॉपिंग करके सब्जियों की बस अलग अलग खाना मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ हर दिन। कभी कोई थाई क्विजीन ट्राई किया, थाई करी बनाई, तो कभी पिज्ज़ा बनाया होममेड, वरना कभी मेरे छोले बहुत फेवरेट है, मेरी मम्मी के बने राजमा, सब्जियाँ, पुलाव बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं घर पे एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ, और मुझे अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने लिए उसमें बहुत प्यार और इंटेंशंस डालती हूँ, और अपने भाई बहन के लिए भी बनाती हूँ, और दोस्तों को मैं घर पे बुला बुला के बोलती हूँ खाना ट्राई करो। ओके, ये तो है कि बन्नी में इतनी एनर्जी है कि वो सबको जाके टिफिन डिलीवर कर सकती हूँ, उतनी मेरे में एनर्जी नहीं है। मैं आज से सिर्फ सेट पे आती हूँ और चली जाती हूँ, बट हाँ, खाना बनाने का शौक बहुत है। मेरे डैड भी ऐसे हैं एक्चुअली। मैं रियल लाइफ से अगर इंस्पिरेशन लूँ तो मेरे पापा काफ़ी हद तक बन्नी जैसे हैं, एक्टर हैं वो, बट पर्सनल लाइफ में उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने उन्हें देखा है कि यू नो सबको खींच खींच कर घर पे लाते हैं और इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, तो वैसे ही, और यू नो वो ब्लेस्ड है, उन्होंने कभी सीखा नहीं है, वैसे ही खुद से उन्होंने क्यूरेट किया है। तो मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ मेरे डैड से, और बस उल्का और बन्नी काफ़ी सिमिलर है, बस उल्का डिलीवर नहीं कर सकती। ओके, उल्का की बात करें तो किस तरीके से क्या चीज़ सीखा उसने बन्नी से रियल लाइफ में? बन्नी से मैंने सीखा है कि जो कुछ हो बस लड़ पड़ो, घुस जाओ उसमें, और डरो नहीं, स्टिक टू योर सेल्फ और बी वेरी स्ट्रांग। उल्का ऐसा मानती है, बट और आखिरकार उल्का का ही एक बिट बन्नी में होता ही है, या मैं जो भी किरदार करती हूँ लाइफ में, आप लोगों ने मुझे झांसी की रानी की तरह देखा है, पार्वती की तरह, काली के रूप में देखा है, अमी जोशीपुरा के रूप में, और अब आप बन्नी की तरह देख रहे हैं, वो भी राजस्थान की छोरी, तो राजस्थानी हमारे को आती ना थी, पर अब थोड़ा सा सीख ही लिया है। ओके, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बाकी के गोस्टार्स के साथ में काम करने का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी मस्ती हो रही है सेट पर? ओह माय गॉड, मेरे सेट पे तो अब मैं, ऐसा है कि हम बीच में कुछ दिन शूट नहीं कर रहे थे, पर मैंने बहुत उन्हें मिस किया। तो मेरा को एक्टर प्रविष्ट बहुत बहुत मज़ेदार है, हम बहुत मस्ती करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को जान रहे हैं, बिकॉज अभी तक हमारे कुछ 7-8 एपिसोड्स ही शूट हुए हैं, और स्टोरी के हिसाब से भी हम मतलब सिर्फ अभी नए नए दोस्त हैं, सो बहुत ही प्योर कनेक्शन है युवान और बन्नी के बीच में, और हम उसे मेंटेन करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं सेट पे। बाकियों के साथ भी, जैसे मेरी जो विलेन है हमारी मानिनी, वोर में बड़े यू नो मस्ती लेते हैं, जैसे मास्टर शॉट है और एक दूसरे को खुन्नस देना है तो हम एक दूसरे को चिमटी काटते हैं कभी कभी, मास्टर में पता नहीं चलता, तो ऐसी वाली मस्तियाँ होती है। दादू सा हमारे, और मेरा भाई बनाए बिस्नू, लिस्ट इज़ लॉन्ग, बताती हूँ, एक दिन आओ जोधपुर। लास्टली ऑडियंस से क्या कहेंगे? तो मैं या आपकी उल्का बन्नी चाहो आप सबसे कहना चाहेगी कि वह सीरियल ज़रूर देखिएगा, और आपकी आपका आशीर्वाद दीजिए, आपका प्यार दीजिए, और हाँ, दाल बाटी चूरमा खाइए। थैंक यू सो मच। वेलकम।